गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ कभी थैंक यू भाई, थैंक यू। आज टीचर्स डे। तरह खून का ये कीर्तन है सर। चिटर्स है, चिटर्स दे अंबर क्या कर रहा है भाई? अंबर म्यूट रख। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पार्टी वार्टी तो यार अब खुलेगा तभी मिल सकता है ना, ऑनलाइन पार्टी कैसे हो सकती है? ये लीकेज करंट एक जगह आया था ना, लीकेज करंट देखो मैं बता दे रहा हूँ इसमें कैपेसिटर में, ये एक देख लो। ना कोई भी आपने ऐसे कैपेसिटर लिया हुआ है और यहाँ पे कोई मीडियम डाल दिया है, को पूरा ही दिखा दो ना, ऐसे पूरा भरा हुआ है। पूरे में आप कुछ के वाला मीडियम डाल दिया है ना, और दोनों प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। तो ये डाइलेक्ट्रिक के थ्रू कुछ कुछ करंट का भी फ्लो होने लग जाती है ना, अगर डाइलेक्ट्रिक का कुछ रेसिस्टेंस आ रहा है ना, आर की वैल्यू बहुत हाई होगी ना, वो कैसे निकालोगे? रो एल, ये डिस्टेंस बीच की एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट का ए है, तो ऐसे करके आप आर निकाल लोगे, जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है वही यहाँ वोल्टेज डिफरेंस ले लोगे। तो जो डायलेक्ट्रिक के थ्रू करंट फ्लो होगी ना, उसको बोलोगे लीकेज करंट। हाँ वो इंसुलेटर है तो बहुत कम अमाउंट ही फ्लो होगा ना, कुछ कुछ के डायलेक्ट्रिक में थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके वजह से ही फ्लो होता है ना, सेमीकंडक्टर टाइप, सब में नहीं होता लीकेज करंट। हाँ ओम्स लॉ वैलिड होगा, ओम्स लॉ तो वैलिड होगा ही ना, आर बस ज्यादा होगा करंट कम होगी। फिर आज हम लोगों को मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना था, कैपेसिटर के डाउट हम लोग फिर नेक्स्ट वीक ही करेंगे ना, मॉड्यूल अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं होगा। ये नोट कर लो जल्दी, लीकेज करंट। हाँ कोरोना डिस्चार्ज देख लेते हैं। हाँ देखो ये कोरोना डिस्चार्ज के हैं, जैसे हमें पता है कि कोई भी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, कहीं एटम था, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है या कोई भी मीडियम है, और उस वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जो भी एटम अगर शुरू में नॉन पोलराइज थे ना, नॉर्मल कंडीशन में थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आते हैं, वो ऐसे पोलराइज होने लग जाते हैं ना। अभी निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे थे शुरू में, फिर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, निगेटिव इधर आ गया ना। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होगा, कितना और ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच की बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा बढ़ते बढ़ते ये ब्रेक होने लग जाएंगे ना। एक टाइम जब आप ई को बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी तो ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा ना,
तो जब ब्रेक होना स्टार्ट होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ छोड़ करके बाहर आने लगेंगे ना, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आने लग जाएंगे वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे ना। तो हर एक एटम के लिए कुछ ना कुछ आपका ब्रेक डाउन होता है ना वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ। पहला स्लाइड है भाई, पहला स्लाइड है। ना तो हर एक मीडियम के लिए कुछ ना कुछ वहां पे ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जिसको हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो फिर देखो, जैसे आपने कोई कंडक्टर लिया और कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, तो चार्ज दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, हर जगह ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो है सराउंडिंग में एयर है, एयर के एटम क्या होने लग जाएंगे ना, शुरू में एटम ऐसे ही थे, फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो यहाँ पे जो पास के एटम होंगे वो पोलराइज होने लग जाएंगे ना, वो अब ऐसे नहीं रह जाएंगे ना, वो पोलराइज होकर के ऐसे बनने लग जाएंगे। और अगर आप चार्ज बढ़ाते जाओगे तो चार्ज बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, क्यू बढ़ाते जाओगे तो ई भी बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो कभी ना कभी क्या होगा, आसपास के जो भी एटम होंगे वो ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देंगे, जो एयर के मॉलिक्यूल है आसपास मीडियम में वो ब्रेक डाउन स्टार्ट करेंगे। जब ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा तो क्या होगे, इसके इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आने लग जाएंगे ना, एयर के मॉलिक्यूल प्लस के पास आने लग जाएंगे, एयर के ये इलेक्ट्रॉन तो प्लस तो कम हो जाएगा लेकिन एयर में इफेक्टिव ये वाला प्लस बच जाएगा ना, ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ना, जब ये ब्रेक होने लगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर, तो निगेटिव और पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एयर में आपको इफेक्टिवली ये वाला प्लस चार्ज दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा, एक मिनट में लिखने का टाइम दूंगा, पीछे वाला समझा लेने दो पहले। तो यहां पे जो प्लस था, माइनस तो आकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो ये वाला प्लस होगा वो बचा रह जाएगा, तो हमें क्या लगेगा कि एक तरह से प्लस निकल करके हवा में आ गया ना, डिस्चार्ज हो गया वो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, ज्यादा क्यू बढ़ाओगे तो वो बाहर गिरने लग जाएगा, हवा में जाने लग जाएगा ना। सेम जैसे कंटेनर में लिक्विड डाल रहे हैं तो एक लिमिट तक ही लिक्विड डाल सकते हैं, उसके बाद लिक्विड बाहर गिरने लग जाएगा, वैसे चार्ज सराउंडिंग में लीक होने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है ना, यही कोरोना डिस्चार्ज है। सर वो लीकेज करंट हर वक्त होता है क्या, कि कभी कभी होता है? यार कंडक्टर वो डाइलेक्ट्रिक के टाइप पे डिपेंड करता है, कोई कोई एकदम ही इंसुलेटिंग होते हैं तो उसमें एकदम ही नहीं हो पाता है, कुछ कुछ में थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो उसमें ही हो पाता है। मतलब भाई सपोज नॉर्मल कंडक्टर कैपेसिटर है तो उसमें नहीं होता क्या कभी? बीच में मीडियम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर मीडियम रहा तो?
तो वो कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा लीक होते रहेगा हर वक्त ऐसा, मतलब वही मीडियम डिपेंडेंट है। अगर डायलेक्ट्रिक वो इंसुलेटिंग मीडियम में एकदम भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एकदम भी नहीं होंगे। नॉर्मली हमें लीकेज करंट नहीं लेना होता है, क्वेश्चन में कभी बोलेगा तभी लेना। ओके सर, समझो। सर वो प्राइवेट चैट देखो ना एक बार। वैलेंस बैंड से कोई कंडक्शन बैंड नहीं होता, उसमें सीधे बाहर आ जाता है ना, आयनाइज हो जाता है एटम। हाँ सर, समझो समझो। रुकन सर, ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है कि हम कोई भी कंडक्टर पे एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा, और ई बढ़ेगा तो एक जो भी उसके आसपास सराउंडिंग में मीडियम है उसका एक फील्ड स्ट्रेंथ होगा ना, कभी ना कभी उसके एटम ब्रेक होने लग जाएंगे ना। तो जब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका मतलब होगा कि कंडक्टर का जो चार्ज है वो फ्लो करके अब सराउंडिंग में जाने लग जाएगा। तो इस टाइप से जो डिस्चार्ज होगा इसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कर बोलते हैं। ये डिस्चार्ज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ पर होगी, जब भी हम कोई कंडक्टर ऐसे लेते हैं अगर कहीं पे सार पेज है, मान लो सार पेज है तो वहां पे ई की वैल्यू ज्यादा होती है ना, ना यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, हाई होगा ना, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जहां पे सिग्मा हाई होगा वहां पे ई भी हाई होगा ना, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है मेटल के पास में। तो जहां पे भी ऐसे सार पेजेज आ जाते हैं मेनली वहां पे ही ब्रेक डाउन होता है पहले ना, क्योंकि सबसे पहले ये वहीं पे ज्यादा बढ़ेगा तो वहां का मीडियम पहले ब्रेक हो जाता है।
कैपेसिटर के आरसी सर्किट में कोई इन टेक्स्ट में डाउट है तो बताओ, वो बता देता हूँ। इन टेक्स्ट का ना एक्सरसाइज का डाउट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इन टेक्स्ट में है डाउट कुछ आरसी सर्किट में? फिर मॉड्यूल 5 स्टार्ट किया जाए मैग्नेटिक फील्ड। बाकी लोग बताओ क्या बोलते हो? चलो वो होगा भी तो नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे ना, इंटेक्स में एक दो ही तो होगा। छोड़ो सूजल, अब नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे ना, एक दो डाउट होगा अब उसके लिए, फिर नहीं रुक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास मतलब जब भी स्टार्ट करेंगे डाउट सेशन। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टार्ट करना है। देखो जो मॉड्यूल 5 है उसमें आपको 5 चैप्टर्स दिए होंगे। मैग्नेटिक फील्ड है पहला चैप्टर, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें सेकेंड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर ये सब मेंस के टॉपिक हैं। तो ये वाला पार्ट लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये वाले अपने एडवांस के पार्ट है तो पहले यही कराऊंगा ना। सेकेंड और फिफ्थ चैप्टर ये एक एक दो दो लेक्चर के टॉपिक हैं, इनको जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब कराऊंगा ना। मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल में देखो एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेकेंड चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। फिफ्थ मॉड्यूल है ना सबके पास, फिफ्थ मॉड्यूल में बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिज्म वाले मॉड्यूल में। फिफ्थ मॉड्यूल में 5 चैप्टर दिए होंगे, 5 में से 1, 3 और 4 नहीं, ये सब एडवांस वाला है। अनुराग जिनके पास नहीं है वो जाके लो ना जल्दी, अगर बाहर से हो तो सर को बोलो कोरियर करने के लिए। तो और 2 और 5 वाला यहाँ पे मेन का टॉपिक है ना। तो 1, 3, 4 हम लोग अभी पढ़ेंगे, नहीं 1, 3, 4 अबे जो एडवांस में है वो तो मेंस में है ही है ना भाई, सर्वेश कैसी बातें करता है। एडवांस वाला सारा सिलेबस मेन में है, प्लस मेन में थोड़े से एक्स्ट्रा चैप्टर है। पीडीएफ नहीं है मेरे पास इसका, कैपेसिटर का मॉड्यूल नेक्स्ट वीक की को सैटरडे को करते हैं ना, तब तक कर लोगे सब लोग नेक्स्ट वीक के सैटरडे को लास्ट क्लास जो रहेगी। और बीच में एक दिन इलेक्ट्रो का जो बचा हुआ डाउट, उसका करंट का जो बचा हुआ डाउट है करंट का, उसके लिए शाम के टाइम में एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा डाउट के लिए ना। ठीक है, तो हम लोगों को ये 2 और 5 में बाद में कराऊंगा ना। फिफ्थ तो एक एकदम छोटा चैप्टर है एक क्लास का, सेकेंड वाला 2 क्लास का है, तो छोटे ही टॉपिक है ये दोनों, बट लास्ट में करेंगे। मैं नहीं भेजने वाला स्कैन करके इतने पेज, शांतनु बहुत बड़ा वाला है तू यार, कोई अपने दोस्त को बोलो करवा, ऑर्डर दे रहा है कर दो सर पूरा स्कैन और भेज दो।
जाके मॉड्यूल ले, नहीं तो सर को बोल कोरियर करने के लिए, मेरा क्यों स्कैन करवा रहा है मुझसे। अबे यार कहाँ जंगल में रहते हो, कोरियर भी नहीं पहुंचता क्या? वो पंकज सर को बोल वो करवाएंगे। हाँ भेजता हूँ, केम का आधा हुआ है अभी, फिजिक्स का कल मैंने कंप्लीट कर दिया था। चलो अब देखो हम लोग मैग्नेटिज्म अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भेजता हूँ ना। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ना, मॉड्यूल 5 का फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पहले आपको ये बताना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ, कोई बता सकता है? अबे गुंजन सक्सेना कितनी बार चलिए चलिए करोगे। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड, राज ने बहुत अच्छा बताया, इट इज ए फील्ड, और उससे ऊपर उठो कुछ, मैग्नेट का फील्ड है। वेरी गुड आर्यन, और थोड़ा प्रकाश डाला। और स्पेस में होता है, सतन ने तो मचा ही दिया अब। हाँ वरद ने तो सबसे बस सही बात बोली कि पहला चैप्टर है ये अपने मॉड्यूल का। शांतनु तो कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है जो समझ से बाहर है। वेरी गुड, फंडामेंटल भी है। सर वो मतलब उसका डेफिनेशन थोड़ी ना है, फंडामेंटल फील्ड है ना, मतलब ये तो है। हाँ देखो भाई क्या है, ये फील्ड क्या है, हमने देखो ये पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज है अगर वो स्टेशनरी है तो, अच्छा चुंबक बोल रहा है, चुंबकीय शक्ति, अच्छा अच्छा देखो कोई भी चार्ज है ये जब तक स्टेशनरी है, इसका वी जीरो है ना, तब तक ये जो अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है उस फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज इंटर करता है तो वो फोर्स फील करता है ना, लेकिन अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जो फील्ड आता है, ये देखा गया कि यहाँ पे दो टाइप के फील्ड मिलते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक और नया फील्ड मिला मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरा मूविंग चार्ज इंटर करेगा, अगर वो रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन अगर वो मूव भी कर रहा है ना, अगर वो मूव भी कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स लगता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि एक मूविंग चार्ज के अराउंड एक और फील्ड क्रिएट हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है, और ये फील्ड दूसरे मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज रीजन अराउंड मूविंग चार्ज इन विच इफ एनी अदर मूविंग चार्ज विल इंटर देन इट विल
फील्ड फोर्स ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बेस क्या है, मूविंग चार्ज, जहां पे भी चार्ज मूव करते हैं ना, वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये जो दूसरी वाली फील्ड है, इस फील्ड को ही नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का रीजन क्या है, चार्ज, चार्ज स्टेशनरी हो या मूविंग हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्रिएट करेगा, लेकिन अगर वो मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा ना। ये एक नई फील्ड है जो डिफरेंट टाइप से फोर्स लगाती है। नहीं 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 आ देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बहुत वीक होता है। अबे आदित्य क्यों टाइम पास कर रहा है? ठीक है, तो समझो सभी, कोई भी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट ही हो, उसमें भी अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, समझो, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट भी हो तो परमानेंट मैग्नेट में भी अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो उसके वजह से फील्ड आता है। तो सबसे बेसिक रीजन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज का मूवमेंट ना, जहां चार्ज मूव करेंगे वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। फिर हम किसी भी पॉइंट पे, हाँ राज, वो वेलोसिटी रिलेटिव होता है, तो इसलिए ये जो फील्ड होता है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हमें नहीं करनी है, थोड़ा मुझे फील्ड पढ़ा लेने दो, थोड़ा फील्ड पढ़ा लेने दो, फिर लास्ट में मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेट करके बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे चेंज करेगी ना। अभी करूंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लास्ट में बताऊंगा ये वाली बात। अभी बस सबको ये मान लेना है कि एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है ना। बेस मतलब एकदम फंडामेंटल रीजन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, मूवमेंट ऑफ चार्ज, चाहे वो कोई परमानेंट मैग्नेट हो या कहीं पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो ना, वो चार्ज के मूवमेंट से ही आता है। ठीक है, क्लियर है? फिर हम लोग देखो, यहां पे जैसे कोई भी हमने चार्ज लिया और वो मूव कर रहा है, अब अगर वो मूव कर रहा है तो यहां हर पॉइंट पे फील्ड क्रिएट हो गया है ना, हर पॉइंट पे फील्ड आ गया है, तो उस फील्ड की एक इंटेंसिटी होती है ना, हर पॉइंट के फील्ड की एक इंटेंसिटी होगी, तो उस इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नोट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी लेटर से दिखाते हैं, और देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है। मान लो किसी रीजन से कोई आसपास कोई चार्ज मूव कर रहा था, उसके वजह से इस पॉइंट पे कुछ बी आया है ना, तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे स्पेस में किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं ना। अगर वहां आसपास कोई चार्ज नहीं मूव कर रहा होगा तो बी जीरो हो जाएगा, बट हम डिफाइन हर जगह कर सकते हैं ना। और डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक चार्ज ला के रखेंगे और उस चार्ज को कुछ स्पीड देंगे, तो हम देखते हैं कि उस पर कुछ फोर्स लगता है ना। ये जो फोर्स लगता है चार्ज पे, ये प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच का एंगल कितना है, उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है।
यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल मान लो इधर को बी है, तो यहाँ पे बी और वी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो फोर्स आता है ये टोटल आ जाता है क्यू, और साथ में वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, फोर्स इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो इससे हम लोग अभी ये वाला बात आपको बस जो मैं बोल रहा हूँ बस सुन लेना है, लिख लेना है ना, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा ना, फोर्स वगैरह निकालना। तो हमारा जो बी होगा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अब अगर हम Q को 1 ले लें, V को 1 ले लें, साइन थीटा को 1 ले लें, मतलब थीटा को 90 ले लें, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोल सकते हैं वही उस पॉइंट की इंटेंसिटी है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज अगर यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो जितना फोर्स लग रहा है वही उस पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी है। अभी देखो इस पार्ट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसी को, आपको बस आप ध्यान रखो कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, कोई भी मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगने का ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे क्यू जो चार्ज मूव कर रहा है जिस पे फोर्स निकालना है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वी उसकी वेलोसिटी है, बी वहां का उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, थीटा वहां पे एंगल होता है बिटवीन बी एंड वी ना, ये बी किसी और चार्ज की वजह से आया होगा, तो हम लोगों ने फोर्स में का यूज करके बी की वैल्यू निकाली। ऐसे यहां से ये जो बी आएगा उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं, और वन टेस्ला इज इक्वल टू, यहां से देखो ये क्या होगा टेस्ला बी की यूनिट, एसआई यूनिट में यहां से निकालने तो क्या एफ मतलब न्यूटन, नीचे चार्ज है, चार्ज के लिए क्या करेंगे एम्पियर सेकेंड, क्यू इक्वल टू आई टी ना, तो एम्पियर सेकेंड, वी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड है, तो इससे ये कट जाएगा सेकेंड सेकेंड, तो वन टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन, सब कुछ सही लिखा है ना, क्यू इक्वल टू आई टी तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, हाँ तो न्यूटन एम पर मीटर पर एम्पियर ना, ये हमारा वन टेस्ला हो गया। सीजीएस में हम लोग इसको गॉस बोलते हैं और कैपिटल जी से दिखाते हैं, वन टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस ना, जब यहां पे डाइन में ले लेंगे और सब कुछ सीजीएस में ले लेंगे तो ये कुछ इसको गॉस करके बोलेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे एफ बाई क्यू करके ना, तो यहां पे ये कैसे डिफाइन है एफ बाई क्यू वी साइन थीटा, मतलब फोर्स ऑन यूनिट चार्ज यूनिट स्पीड से मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर टू फील्ड मूव कर रहा है।
अबे वेदांत, कूलम क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम को एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं? क्यू इक्वल टू आईटी होता है ना, तो आई का एम्पियर लिख दिया, टी का सेकंड लिख दिया ना, एम्पियर अपना फंडामेंटल यूनिट है ना, कूलम नहीं ना, कूलम भी बोल सकते हैं लेकिन मोस्टली एम्पियर में दिखाते हैं। अबे यूनिट जो डिफाइन की गई है, सेवन फंडामेंटल यूनिट। अबे राज बहुत गिरा गिरा के मारूंगा, फालतू की बातें कर रहा है। यूनिट याद है कितने फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन थे? उसमें कूलम था या एम्पियर था? तो इसलिए एम्पियर के टर्म में लिखा है, आप कूलम भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हो, वो भी सही है। मैंने यहाँ पे सब फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किया, हालांकि न्यूटन को नहीं किया है, तो आप कूलम को भी एम्पियर को भी छोड़ के कूलम लिख दो। ठीक है ना, दोनों सही है ना, आप कूलम में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एम्पियर में भी ना। आगे चलें। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे हम वो आगे देखेंगे ना, बट अभी आप ये नोट कर लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखो, हमें यहां पर ये समझ आ गया कि कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मूविंग चार्ज आएगा तो वो फोर्स फील करेगा। तो हमें देखो ये समझ आ गया कि कोई भी अगर चार्ज है वो मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, हर तरफ यहाँ फील्ड क्रिएट कर देगा ना, यहाँ हर तरफ बी आ जाएगा, फिर उस बी में कोई, यहाँ पे हर तरफ को बी आया हुआ है ना, तो अब उस बी में कोई दूसरा चार्ज अगर इंटर करता है तो वो फोर्स फील करेगा। तो हमें अब सबसे पहले सीखना है कि एक मूविंग चार्ज की वजह से बी कितना आता है, जब बी निकालना आ जाएगा तो उस बी की वजह से फोर्स निकालना सीखेंगे। मतलब यहाँ पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा फील्ड कितना आता है वो निकालना सीखना, फिर दूसरे पार्ट में जब फील्ड निकालना आ चुका होगा तो फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है वो निकालना। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हम लोग चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे ना, कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो कैसे हम लोग फील्ड निकालेंगे, या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है चार्जेज का, करंट का, तो फील्ड निकालना, जब ये आ जाएगा तो फिर हम फोर्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं बी ड्यू टू मूविंग चार्ज। हमने कोई एक मान लो चार्ज लिया जो कि वी वेलोसिटी से जा रहा है, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। ये वी और आर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कि जो भी इस पॉइंट पे बी आएगा इस मूविंग चार्ज के वजह से, वो प्रोपोर्शनल टू होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, कितना फास्ट वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस के 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड कम हो जाएगा, और ये जो v और r के बीच में एंगल है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, वो r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो एंगल है,
उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो कोई भी मूविंग चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो बी आएगा वो पूरा प्रोपोर्शनल टू आया क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है उसको हम लोग म्यू नॉट बाई फोर पाई से दिखाते हैं। जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से दिखाते थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट बाई फोर पाई से दिखाते हैं जिसकी वैल्यू 10^-7 होती है, जहां पे म्यू नॉट को बोलते हैं परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट है, अगर कोई और मीडियम का म्यू होगा तो वहां पे म्यू लिखेंगे, अब फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट लिखा हुआ है ना। ये जितना ज्यादा होगा कोई भी मीडियम की परमियबिलिटी वहां पे उतना ज्यादा बी क्रिएट होगा ना, मतलब वो बी को कितना सपोर्ट कर रहा है मीडियम उस चीज को मेजर कर रहा है एक तरह से परमियबिलिटी ना, कितना वो परमिट कर रहा है बी को जनरेट होने के लिए। जबकि परमिटिविटी अपोज करता था ना, जितना वो हाई होता था उतना ई कम हो जाता था ना, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हाई होगा परमियबिलिटी मीडियम का उतना ज्यादा वो बी क्रिएट होगा वहां पर। इस पर अभी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस अभी आप मान लो ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है समझो, अभी आप इसको मान लो ये कांस्टेंट है ना। तो ये वाला जो हम लोग वो सेकेंड चैप्टर है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वहां पे थोड़ा मैटर का देखेंगे ये म्यू वगैरह कैसे चेंज होता है। बाकी अभी आपको हर जगह फ्री स्पेस मिलेगा तो म्यू नॉट ही लगेगा, आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। सर एप्सिलॉन वाला है क्या उस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन होता था, यहाँ पे म्यू नॉट होता है? नहीं मतलब सेम ही है दोनों? नहीं ये दोनों अलग अलग चीज है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है। पर उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही बोलते हैं ना? उसको परमिटिविटी बोलते हैं, वो परमिटिविटी होता है। अच्छा अच्छा समझ समझ, ध्यान रखो जो पीछे था एप्सिलॉन नॉट वो उसका नाम था परमिटिविटी। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और नोट कर लेते हैं कि कोई भी मीडियम का म्यू और उस मीडियम का एप्सिलॉन का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है 1/v², जहां पे v क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इसका डेरिवेशन वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम में हम लोग देख लेंगे, फिफ्थ चैप्टर जो है इसका, नोट करो यहां तक। यहाँ पे मैंने कोई भी मीडियम का म्यू लिखा है, एप्सिलॉन लिखा है, और ये वी उस मीडियम में स्पीड है ना। एक सेकंड मुझे समझा लेने दो, फिर ये लिखना है ना। अगर मान लो आपने फ्री स्पेस लिया है तो फ्री स्पेस के का म्यू म्यू नॉट होगा, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू बराबर होगी 1/c², जहां पे c की वैल्यू होगी फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 m/s। ठीक है, जिस मीडियम का म्यू लोगे एप्सिलॉन लोगे उस मीडियम का ही यहाँ पे स्पीड आएगा ना, फ्री स्पेस का लोगे तो यहाँ नीचे फ्री स्पेस की स्पीड आ जाएगी, लाइट की स्पीड।
अब देखो ये जो हमारा फॉर्मूला आया बी का, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाए क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट बाय फोर पाए की वैल्यू याद रखनी है ना, 10 के पावर -7। नहीं यहाँ पे देखो ये दिखा है ना 10 के पावर -7। तो ये हमने अभी केवल मैग्नीट्यूड लिखा है ना, अगर हमें इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है तो डायरेक्शन के साथ लिखना होगा अगर आपको, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। यहाँ पे देखो ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ पे ये जो साइन थीटा है ये वी ओ आर के बीच का एंगल है। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे एक आर और मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे आर क्यूब लिख देंगे। अब वी आर साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वी क्रॉस आर, तो ये जब हम ऐसे लिखेंगे तो अब हमें जो बी मिलेगा वो डायरेक्शन के साथ मिलेगा, मतलब हम वी क्रॉस आर करेंगे तो उससे हमें डायरेक्शन मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल था, ये इधर को जा रहा था वी वेलोसिटी से, और हमें इस पॉइंट पे हमें निकालना है बी, तो वी क्रॉस आर करो डायरेक्शन किधर मिलेगा। सभी लोग राइट हैंड के फिंगर्स वी के अलोंग रखो, राइट हैंड के फिंगर्स को वी के अलोंग रखो और ऐसे रखो कि आर की तरफ कर्ल हो पाए ना, आर की तरफ कर्ल हो रहा होगा तो थंब अंदर को जा रहा होगा, यहाँ पे बी का जो डायरेक्शन है वो अंदर को है ना। ठीक है ये बात समझ आ रही है। अबे आदित्य इसमें टैब में कैसे दिखाऊं, वो लैप होता लैपटॉप तो उस पर दिखा भी देता। अरे यार तुम लोग भी फालतू के काम करवाते हो। फिर से मैंने अभी अभी बाल हटाए थे यार 2 दिन पहले ही। देखो यहां पर अबे हंसना बंद करो, सब लोग पढ़ाई पे फोकस करो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये इधर को जा रहा है ना, मैं यहाँ पे वेलोसिटी आगे को है ना, तो वो आगे को रखना है और आर इस साइड है, तो वी क्रॉस आर आप करोगे तो थंब अंदर को जा रहा होगा। अब ये कर लो खुद से, बस इससे ज्यादा और नहीं हो पाएगा अभी। फिर आप देखो एक चीज ये देखोगे कि अगर ये चार्ज ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये v वाली जो लाइन है, इस v वाली लाइन को आप ऐसे अगर आगे तक एक्सटेंड कर लो तो ये पूरे मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ये पूरे मीडियम को दो पार्ट में, एक ये राइट वाला साइड एक लेफ्ट वाला साइड, तो इसके वजह से ये राइट साइड में अगर एक पॉइंट पे इनटू द प्लेन आया बी, तो यहाँ हर पॉइंट पे इनटू द प्लेन ही आएगा ना। आप कहीं पे भी वी क्रॉस आर करके देखोगे यहाँ हर पॉइंट पे इनटू द प्लेन आएगा, और इधर इनटू द प्लेन है तो इधर के साइड में बी आउट ऑफ द प्लेन आएगा ना। अगर इधर को वी है तो आप इधर को रखो और इधर को आर लो, तो वी क्रॉस जब आर करोगे इधर के लिए तो आउट ऑफ द प्लेन थंब आ रहा होगा। तो यहाँ हर पॉइंट पे अगर वेक्टर बाहर आता है तो हम ऐसे डॉट लगा के लिखते हैं ना, और अगर अंदर जा रहा है तो क्रॉस लगा के। तो यहाँ हर पॉइंट पे बी जो होगा वो अंदर को होगा और इधर के हर पॉइंट पे बी बाहर को होगा, और इस लाइन के लॉन्ग देखोगे इस लाइन के लॉन्ग बी हर पॉइंट पे जीरो हो रहा होगा।
ना, क्योंकि वहां पे साइन थीटा जीरो हो जाएगा ना, वी और आर के बीच का एंगल है ना साइन थीटा, अगर आर इस तरह को पड़ा तो वी और आर पैरलर हो गए ना, वी आर पैरलर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? बी निकालना होगा तो हम वी क्रॉस आर करके देख लेंगे। तो आपको ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखाया गया है ये आपको याद रखना है ना, अब यहां पे देखो हम एक चीज और देख लेते हैं, इस क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रही होगी उस पॉइंट पर, 1/4 epsilon naught q r vector / r³, ऐसे लिख सकते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, r के लॉन्ग होगा ना, क्यू बाई आर स्क्वायर को आर बाई आर क्यूब कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम जो बी का हमारा एक्सप्रेशन आया हुआ है यहां से लिख रहा हूं, बी इक्वल टू आया है म्यू नॉट, नीचे देखो 4π है ना, तो अगर हम एप्साइलन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने q को अंदर कर दिया, स्केलर क्वांटिटी को आप चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर लो या इसमें, एक ही बात है ना, सेम चीज रिजल्ट आएगा, तो मैंने q को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और ना q को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया r में, तो ये q बाय आर क्यूब ऐसे लिख देंगे ना यहाँ पर, और आप साइलेंट नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब ये वाले स्केलर को हम इसके साथ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v इंटू क्यू आर वेक्टर अपॉन में 4π epsilon naught इंटू आर क्यूब। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं ना उस पॉइंट पर, और इसको क्या बोल सकते हैं, 1/c² तो b वेक्टर इक्वल टू आया 1/c² v वेक्टर इंटू e वेक्टर, मतलब कोई भी मूविंग चार्ज के वजह से b और उसी मूविंग चार्ज के वजह से e का ये आपस में रिलेशन है, तो ये दिख रहा है ये रिलेशन क्या बताता है कि b की वैल्यू e से बहुत कम आएगी, क्योंकि नीचे c स्क्वायर है ना, और c इज अ वेरी हाई वैल्यू, c का स्क्वायर है, और v क्या है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड है ना, पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से तो कम ही होगी, और नीचे c का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर b जो होता है किसी मूविंग चार्ज के वजह से वो e के कंपैरिजन में कम आता है। ये कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक मूविंग चार्ज बी भी क्रिएट कर रहा है, ई भी क्रिएट कर रहा है, तो ये उन दोनों का रिलेशन है एक ही चार्ज के वजह से बी और ई का। नोट हो जाए तो बता देना।
हो गया। आर्यन जल्दी लिख भाई। तो देखो हमने ये समझ लिया कि एक मूविंग चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से बी कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें नॉर्मली जो इस चैप्टर में मिलेगा मूविंग चार्ज कब मिलेगा, करंट कैरिंग वायर्स मिलेंगे मेनली। तो करंट कैरिंग वायर मतलब उसमें भी चार्ज मूव कर रहा है, तो अब वो वाला पार्ट हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए बायोट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया हुआ है, वो यही सेम चीज है जो चार्ज वाला है उसी को उन्होंने लॉ बताया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये जो बायोट सेवर्ट्स लॉ है इसमें उन्होंने देखो क्या बताया है कि अगर कोई भी हम करंट कैरिंग वायर लें और इस पे एक छोटा सा हम करंट कैरिंग लेंथ ले लें डीएल, जिसमें आई करंट जा रही है ना, इसमें कुछ आई करंट जा रही है, तो इस आई करंट के वजह से डीएल लेंथ का जो सेक्शन है इसके वजह से कितना किसी पॉइंट पे बी की वैल्यू आएगी ना। डीएल का डायरेक्शन इधर है और आर वेक्टर जिधर हम देख रहे हैं वो इधर है, और इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डायग्राम सही करना पड़ेगा, एक मिनट। हमने देखो कोई वायर ली, इस पे हमने एक छोटी सी डीएल लेंथ ले ली, समझाने के लिए मैं डीएल को बड़ा दिखा रहा हूं बट ये डीएल बहुत छोटा सा है ना, इसमें से आई करंट जा रही है और इस डीएल से कुछ आर डिस्टेंस पर ना, ये डीएल बहुत छोटा है, तो यहां से दिखाऊं कहीं से भी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिखा देना है ना। डायग्राम में डीएल बड़ा इसलिए आपको आर कहां से दिखाना है उसके लिए सोचना पड़ रहा है, बड़े में ऐसा कुछ छोटे में नहीं सोचना पड़ेगा ना, ये एंगल थीटा है ना, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर को हम बोलेंगे डीएल का डायरेक्शन है। तो एक करंट कैरिंग डीएल लेंथ की वजह से हमें इस पॉइंट पे बी लिखना है ना, जब डीएल लेंथ की वजह से जो है तो ये जो बी आएगा उसको हम डीबी बोलेंगे। तो ये जो बी डीबी की वैल्यू आती है ये आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे करंट जा रही है, मतलब क्या जा रहा है, कुछ चार्ज जा रहा है ना, कुछ चार्ज जा रहा है, और चार्ज मान लो डीएल लेंथ को क्रॉस करने में डीटी टाइम लगाएगा और अंदर चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है, तो आप डीएल को लिख सकते हो वी डीटी ना, ऐसे लिख सकते हो ना डीएल को वी डीटी ना, अगर अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है ना, तो आप क्या लिखोगे डीएल, ये डीएल लेंथ को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा वी डीटी, तो डीएल की वैल्यू वी डीटी आ जाएगी ना। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बाय डीटी इनटू वी डीटी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्यू बाय डीटी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे ना, डीटी टाइम में क्यू चार्ज पास हुआ है ना, डीटी टाइम में क्यू चार्ज पास हुआ था, तो ये करंट हो जाएगा, ये डीएल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये एक छोटे से डीएल लेंथ के वजह से जिसमें आय करंट है बी निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे हम ई निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखते थे वैसे ही इसको याद रखना है ना, हर जगह हम इसको यूज करेंगे, कहीं पे भी कोई भी कॉन्फिगरेशन होगा तो बी निकालने के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाए डीएल वेक्टर को, अगर हम डीएल को वेक्टर ले लें और उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लें, तो डीएल क्रॉस आर करने से बी डायरेक्शन के साथ आ जाएगा ना, डीएल क्रॉस आर करने से, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। देखो ये जो बायोट ने लॉ दिया था, बायोट ने ये एक्सपेरिमेंट करके लॉ दिया था, बायोट ने इसको ऐसे नहीं बताया था जैसे मैंने ये चार्ज वाला पढ़ा था तो डिराइव कर दिया, उन्होंने उसको ऐसे बताया था कि कोई भी जब हम यहाँ पे करंट कैरिंग वायर लेंगे तो उसके वजह से जो बी आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू था करंट, उन्होंने कई बार वायरी कराया और कैलकुलेट किया बी में क्या चेंजेज आ रहा है, तो देखा कि करंट बढ़ाने पर बी बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा लेंथ का वायर लिया तो उससे बी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उससे ऐसे 1/r² के प्रोपोर्शनल था, और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आया, तो उन्होंने सबको कंबाइन करके फिर ये पूरा कंबाइन करके उन्होंने बोला कि म्यू प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। ये ध्यान रखना बायोट सेवर्ट्स लॉ डिराइव्ड लॉ नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और कहीं पे भी बी का डायरेक्शन निकालना है तो हमेशा बेसिक आपको ध्यान रखना है वी क्रॉस आर ना, कहीं पे भी डायरेक्शन निकालना है तो आपको वी क्रॉस आर, हो जाए तो बोल देना ना। मैग्नेटिक फील्ड देखो इजी चैप्टर आता है, इसमें बस जो थोड़ी कंफ्यूजन होगी वो डायरेक्शन को लेके होगी, तो बेसिक ध्यान रखो कि बेसिक कहीं पे भी बी निकालना है तो आप क्या करोगे वी क्रॉस आर कर लोगे ना, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो वी क्रॉस आर, करंट भी अगर दिया हुआ है मान लो करंट के वजह से निकालना है तो जिधर करंट जा रही है उधर को चार्ज जा रहा है तो उधर को वी ले लो और वी क्रॉस आर करके सोच लो, अदरवाइज डीएल क्रॉस आर कर सकते हो अगर याद है आपको कि डीएल क्रॉस आर करना है तो, बट वी क्रॉस आर हर जगह के लिए एक बना के रखो कि कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो वी क्रॉस आर करेंगे। हो गया नोट यहां तक? हो जाने पे बोल दिया करो यार, तुम लोग बैठे रहते हो पता नहीं क्या कर रहे हो। तो हमने देखो ये कर लिया कि अगर कोई भी डीएल लेंथ हम वायर का लेते हैं तो उस डीएल लेंथ के वजह से आर डिस्टेंस पे बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाए आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और
डायरेक्शन निकालना होगा, तो जैसे इस सिचुएशन में निकालेंगे तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, तो यहाँ पे बी का वैल्यू किधर को आ रहा होगा, इन टू द प्लेन। क्रॉस लगाया मतलब एरो अंदर जा रहा है, आपको टेल दिख रहा है ना। और ऐसे ही अगर आप ये डीएल वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो तो इसके इस साइड में आपको हर जगह बी आउट ऑफ द प्लेन दिखेगा ना। डीएल वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे हर पॉइंट पे अंदर को बी होगा और इधर के हर पॉइंट पे बाहर को बी होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? डीएल क्रॉस आर करके आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, इस बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करके हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के वजह से बी निकालना है। देखो यहाँ पे दो लॉ आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो लॉ होते थे, एक कूलम्स लॉ और एक गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ था KQ/R², अब कोई भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता था तो आप क्या करते थे, चार्ज का dQ चार्ज का ई लिखते थे और इंटीग्रेट करते थे, और अगर सिमेट्री है तो गॉस थ्योरम लगा लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पर ये दो लॉ आएंगे, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ होता था और गॉस थ्योरम होता था, सिमेट्री वाली जगह पे इसको यूज करके ये निकाल लेते थे, और ये वाला हर जगह यूज कर सकते थे, कैलकुलेशन बस देखना रहता था कितना कर पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे बी वाले सिचुएशन में एक तो बायोट सेवर्ट लॉ होगा, इसका यूज करके हम बी निकालते हैं, और सिमेट्री वाली जगह के लिए एक लॉ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ, गॉस थ्योरम टाइप होगा, तो उसका यूज करके बी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये दो लॉ होंगे। तो पहले हम लोग कुछ जहां बिना सिमेट्री का यूज किए करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज करके, फिर बाद में एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यही टारगेट है कि बायोट सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बी निकाल लें, नेक्स्ट क्लास में एम्पियर्स लॉ करेंगे। तो हम लोग अब सबसे पहले देख रहे हैं बी ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। कहीं पे भी देखो हमें बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज करना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, आपको कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे करंट का और बी निकालना होगा, तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, उस पर एक डीएल लेंथ लोगे और उसके वजह से डीबी निकालोगे। फिर आप डीबी का डायरेक्शन देखोगे कि क्या हर एक डीएल के वजह से डीबी क्या सेम डायरेक्शन में है। अगर हर एक की वजह से डीबी सेम डायरेक्शन में है तो सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो डीबी को रिजॉल्व करेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, ना रिजॉल्व डीबी अलोंग एक्स वाई एंड जेड ना। तो अब जब हम डीबी को रिजॉल्व कर लेंगे तो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि हर जगह तीनों ही कंपोनेंट आए, कहीं पे दो आएंगे कहीं पे तीनों आएंगे। फिर x वाला नेट निकालने के लिए b वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, y वाले को निकालने के लिए y वाला इंटीग्रेट कर लेंगे, z वाले के लिए z वाले कर लेंगे, जैसे चार्ज में करते थे ना। ठीक है, क्लियर है? अब ये नोट कर लो, फिर अब हम लोग इसको अप्लाई करना सीखते हैं।
तो हम सबसे पहले देख रहे हैं बी ड्यू टू ए स्ट्रेट फाइनाइट वायर, हमने कोई मान लो एक वायर ली जिसमें कुछ आई करंट जा रहा है और इसके वजह से कुछ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है ना, और इस पॉइंट पे हमें बी निकालना है, और हमने अगर इसके दोनों एंड को मिला दिया तो यहाँ पे दोनों एंड को मिलाने पर ये ऊपर वाला एंगल कुछ अल्फा है और नीचे वाला एंगल कुछ बीटा है, तो अब हमें इस पॉइंट पे बी की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, फिर हम लोग अभी डेरिवेशन कर लेंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग ऐसे फाइनाइट वायर के वजह से जो बी का फॉर्मूला आएगा वो कुछ आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमने यहां पे देखो, हम केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन हम अपना अलग से देखा करेंगे। अगर हम यहां डायरेक्शन देखें तो किधर होगा, यहां पे इधर को करंट जा रही है ना, तो आप इधर को V ले लोगे और V क्रॉस R करोगे, V क्रॉस R करोगे तो इधर के कोई भी पॉइंट पे B की वैल्यू इन टू द प्लेन आएगी ना, यहाँ पे कहीं पे भी आर ले लो और वी क्रॉस आर करो और इधर वाले पॉइंट पे देखोगे तो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, समझ लो। अब इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करने के लिए देखो हम लोग कैसे सोच सकते हैं ना, ये फॉर्मूले याद रखने हैं ना, जैसे पीछे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूले याद रखते थे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का, इनको भी डायरेक्ट याद रखने हैं आपको। अब देखो हम इसको डिराइव कैसे कर लेंगे, ये हमने वायर लिया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे हमें आर डिस्टेंस पे बी निकालना है, तो हम ऐसे सोचते हैं कुछ, मान लो यहाँ पे y हाइट पर एक हमने डी वाई लेंथ का वायर का सेक्शन ले लिया और इसके वजह से हम यहाँ पे b की वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मान लो ये एंगल थीटा है और ये d थीटा है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हैं, डीएल यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर को जा रही है ना, तो डीएल का डायरेक्शन किधर हुआ, ऊपर को ना, यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन किधर है, ऊपर को, और आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, डीएल से उस पॉइंट को मिला दोगे ना, तो ये आर वेक्टर है, तो डीएल आर वेक्टर मतलब जो हम लोग वो डीएल क्रॉस आर के टाइम पे लिखते थे ना, डीएल क्रॉस आर, तो वो आर कौन सा होता था, डीएल से मिलाने वाला जो एक होता था। एक काम करता हूँ, इसको मैं ए लिख देता हूँ ना, क्योंकि आर के लिए वो वेक्टर में जरूरत पड़ेगी ना, इसको मैं डिस्टेंस को डी लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस डी है। तो अब डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है ना, तो इनके बीच का ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल अभी थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये बाहर वाला एंगल कितना आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा कि नहीं, है कि नहीं, ये बात समझ आई सबको, डीएल वेक्टर के वजह से आर डिस्टेंस पे अगर हमें उमंग क्या बोल रहा है,